गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। नए सीरीज़ की अगली दवा देखते हैं, मैग म्यूर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैग कार्ब देखा था, तो जैसे आपका मैग कार्ब डायरिया के लिए है, वैसे मैग म्यूर आपका स्पेसिफिक बच्चों के कॉन्स्टिपेशन के लिए। इसका जो मोशन होता है, जो शुरू के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो देख लेता हूँ। इसी में पूरी दवा का जिस्ट भी रहता है डॉक्टर नैस का, कि जो स्टूल होता है वो बकरी के लेड़ी की तरह गोल गोल होता है, सफिशियंट नहीं होता है। बच्चा मतलब थोड़ा सा करता है फिर उठ जाता है, और बड़े लोगों में भी ये चीज़ पाई जाती है। लंपी स्टूल भी होता है और एनस पर आ करके वो क्रम्बल करने लगता है, पूरा बाहर नहीं आता है, मैनुअली उसको निकालना पड़ता है। नर्वस हेडेक होता है मैग म्यूर में, और खूब ज़ोर से किसी स्ट्रॉन्ग प्रेशर, किसी चीज़ से ज़ोर से बांधने पे, या फिर सर को किसी गर्म चीज़ से ढकने से आराम मिलता है। ये गर्म चीज़ से ढकने से आराम मिलना साइलिशिया में भी है आपके। पैल्पिटेशन होता है हार्ट में, जब मरीज चुपचाप बैठा रहता है। कोई मरीज अगर बैठा है, बोलता है डॉक्टर साहब जब बैठे रहते हैं घबराहट होने लगती है, दिल बहुत तेज धड़कने लगता है, फेंकने लगता है, जैसे अंदर से कोई मुक्के से मार रहा हो। लेकिन जब वो चलने फिरने लगता है, मूवमेंट करने लगता है, काम में बिजी हो जाता है, तब वो आराम महसूस करने लगता है। पेशाब पीले रंग की होती है और सप्रेशन रहता है, मतलब मरीज खूब ज़ोर से एब्डोमिनल मसल पे जब खूब जोर लगाएगा तब पेशाब होगी। महसूस तो होती है, लगता है कि जाकर करें, लेकिन जब बैठेगा तो पेशाब होता ही नहीं है। नर्वस हिस्टेरिकल पेशेंट में ये ज़्यादा कारगर है, जिनको हिस्टेरिकल अटैक आते हैं। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, तो जो शुरू में बताया कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कि मोशन कड़ा होता है, डिफ़िकल्ट होता है, इनसफिशिएंट होता है, नॉटी होता है, लंपी होता है, और क्रम्बलिंग एट वर्ज ऑफ द एनस। कभी कभी तो मोशन इतना हार्ड होता है, इतना इनसफिशिएंट होता है, कि मरीज को अपने एब्डोमिनल मसल पे बहुत जोर देना पड़ता है। इसमें दो दवाएँ और हैं, नाइट्रम म्यूर और अमोनियम म्यूर। तो अमोनियम म्यूर की एक और सिमिलैरिटी है जो मैक कार्ब से, कि दोनों में मेंसेस रात को सोते समय आता है, या मरीज जब लेटता है उसमें ब्लीडिंग फ्लो होती है, जब उठता है खड़ा होता है चलने लगता है तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। मैग म्यूर का जो मेंसेस होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और उसके साथ क्रैम्पी पेन होता है अब्डामन में, और वो दर्द इस कदर बढ़ जाता है कि मरीज को सीवियर स्पाज़म आने लगते हैं, वो रोने लगता है, और कुछ हिस्टेरिकल सिम्टम भी मिलने लगेंगे आपको। अब ये नर्वस हिस्टेरिकल सिम्टम प्लस कॉन्स्टिपेशन, ये मिल करके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बनाते हैं मैग म्यूर के लिए। लीवर रेमडी भी है आपकी मैग म्यूर, इसमें मर्क्यूरियस एक सिमिलैरिटी होती है कि दांतों के जो इम्प्रेशन है वो आपकी जीभ पे मिलेंगे, और दाहिनी तरफ सोने से मैग म्यूर के एक मरीज में लीवर में पेन बढ़ जाता है। राइट साइड में मैग म्यूर का मरीज नहीं सो पाता है, क्योंकि उस साइड के लीवर में पेन होने लगता है। ऐसी ही एक दवा है लीवर के लिए बहुत अच्छी, टीलिया, लेकिन टीलिया में इसका जस्ट अपोजिट है, लेफ्ट साइड सोने से तकलीफ बढ़ जाती है। बच्चे जो डेंटिशन फेज में हैं वो दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे ही दूध पीते हैं उनको मोशन हो जाता है, और जो मोशन होता है बिल्कुल जैसे दूध पिया, लगभग वही दूध ही आपको मोशन में दिखाई देने लगता है। तो ये थी मैग म्यूर, डॉक्टर ईबी नैश, थैंक यू।